हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सबसे अच्छा वाला वीडियो है शॉपिंग के बारे में। ये बहुत पसंद आता है ना, कोई भी प्रेशर रहे माइंड में या फिर घर में माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, शॉपिंग के जाओ बाद और पैसे फेंक के आओ, मस्त मूड आ जाता है। मस्त नंबर भी कम जाता है। अब छह फिगर अकाउंट बैलेंस से जाइए और 5 फिगर के बैलेंस से वापस आएंगे। लेकिन मजा अब खूब ये नहीं आता है। बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा कि हाँ 1 लाख कैसे जाते हैं, क्या है 99,999 पे वापस आएंगे। क्रेडिट कार्ड में भी लगा के अगले मंथ तक आते हैं कि अगले मंथ भी उसका बिल पे होते रहे। शॉपिंग के बारे में, तो शॉपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरीदारी। खरीदारी खूब होता है ना हमारे यहाँ। शादी भी किसी का भी होने वाला हो, हमारा शॉपिंग जरूर होता है, खरीदारी जरूर होता है। तेलुगु में तो ऐसे शॉपिंग वॉपिंग के लिए सेपरेट वर्ड नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं था पहले, तो आजकल शॉपिंग बोल लेते हैं। अगर उसको कुछ रफ ट्रांसलेशन देना है तो कोनाडम बोलते हैं। कोनाडम मतलब खरीदना कुछ भी। कोनाडम। सो नेक्स्ट है, या कितने का है जाते सबसे ही पहले शॉप चीज में, जो भी दिखाता है कितने का है, या कितने का है। सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हाउ मच इज दिस फर, हाउ हाउ मच मच इज इज दिस दिस फर। फॉर। और और उसको तेलुगु तेलुगु में में इदी एंत की वस्तुंदी, ये कितने में आता है बोलने के लिए, इदी एंत की वस्तुंदी, इदी मींस या या। एंत की मतलब कितने को, वस्तुंदी मतलब आएगा। सो नेक्स्ट है, यह बहुत महंगा है। अब हमारे बजट से ऊपर का सामान वो दिखा बता दिया। दिया है आंसर, लेकिन वो आपको दिखा रहा है 12,000 का शर्ट, कोई वो चीज नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं ना यह बहुत महंगा है। सो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज टू एक्सपेंसिव, दिस इज टू एक्सपेंसिव। और तेलुगु में इदी चाला खरीदैनदी, इदी चाला खरीदैनदी, खरीदैनदी मतलब एक्सपेंसिव। सो चाला मीन्स बहुत। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस फॉर दिस? अब अब शुरू हो जाते हैं नेगोशिएशन करना, सो कोई अरे इतने चीज, में दीजिए, वो बोलेगा नहीं मैम नहीं सर इतने में नहीं होगा, हम ही को इतना मार्जिन मिलता है, ये वो बोलने के बाद फाइनली नीचे करवा करवा के फाइनली कुछ प्राइस पे आते हैं। तब पूछते हैं ये बात, इसके लिए अंतिम कीमत क्या है, लास्ट और प्राइस, तेलुगु फाइनल में प्राइस। इंग्लिश में व्हाट इज द फाइनल प्राइस फॉर दिस, लास्ट में तेलुगु में बोलते हैं दीनी आखरी धरा यंथा, आखरी मतलब लास्ट, चिवरी, चिवरी भी बोल सकते हैं, फाइनल, दीनी आखरी धरा यंता। नेक्स्ट देखते हैं, कोई कुछ चीज खरीद के गया रहता है, जैसे सोचिए आप किसी मूवी में गए हैं और उस मूवी थीम का शर्ट कोई पहन के आया रहता है, आप नहीं पहनने रहते हैं, तब बोलते हैं। नहीं तो कोई कुछ लड़की सब में बहुत होता है, एक मस्त वाला ड्रेस कोई पहन के आई रहती है, नहीं तो कुछ नेकलेस वेकलेस या हैंगिंग्स पहन के आई रहती है, बाकी लड़की सब काश मेरे पास भी होता। मैं तो ये सोचती हूँ मॉल्स में शॉपिंग जगह पे जाकर, काश मेरा एक शॉपिंग मॉल या शॉपिंग का दुकान ही होता। ये अलग है, ये क्या, आई विश आई हैड वन। आई लेकिन विश आई हैड वन, मेरे पास भी एक होता, मैं बचपन में सोचता था काश मेरे पास भी एक ओमनीट्रिक्स होता हाथ पे। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? काश मेरे पास एक होता। और तेलुगु में बोलते हैं ना दग्गर कूडा ओकटी उंटे एंत बागुंडेदी, ना दग्गर कूडा ओकटी उंटे एंत बागुंडेदी, मतलब मेरे पास भी ना दग्गर कूडा ओकटी उंटे एक होता तो एंत बागुंडेदी, कितना अच्छा होता, काश मेरे पास भी एक होता। तो उसके लिए तेलुगु में बोलता है अगर मेरे पास भी एक होता तो कितना अच्छा होता था, ऐसे बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे, अगला देखते हैं तो जैसे कोई दूसरों के लिए शॉपिंग करने गए रहते हैं, गिफ्ट देने के लिए ऐसे कुछ, तब डिस्कशन होता है तो उसमें बोलते हैं ही लाइक्स इट वेरी मच, ही लाइक्स इट वेरी मच, उसे हिंदी में बोलते हैं उसे यह बहुत पसंद है। उसे यह बहुत पसंद है। आजकल तो दोस्त लोग सब दूसरे दोस्तों पे जान दे देते हैं तो आईफोन भी दे देते हैं थोड़ा, तो किसी को आईफोन पसंद है तो बोलते हैं मुझे तो नहीं एंड्रॉइड बेस्ट है, लेकिन
डिबेट बाद में, लेकिन किसी को आईफोन पसंद है उसको देना चाहते हैं, तब बोलते हैं उसे आईफोन बहुत पसंद है, उसे यह बहुत पसंद है, तो उसको तेलुगु में बोलते हैं अतनी की इधि चाला इष्टम। अतनी की मतलब उसको, यह मेल है ही टू हिम, इधि चाला इष्टम मतलब यह बहुत पसंद है। और वही अगर शी के लिए, शी के लिए रहता है अगला सेंटेंस वही है तो क्या बोलेंगे? आमे को इधि चाला इष्टम। आमे इधि, आमे को इधि चाला इष्टम। सो नेक्स्ट है मुझे यह पसंद है, बोला ना मुझे यह पसंद है खरीद दो, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई लाइक इट। तेलुगु में इधि नाकु नच्चिंदी, इधि मतलब यह, नाकु मुझे, नच्चिंदी मतलब पसंद आया है, नच्चिंदी पसंद आया है। सो नेक्स्ट है मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है बोलने के लिए तो इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, और तेलुगु में बोलते हैं इधि नाकु नच्चलेदु, इधि नाकु यह मुझे नच्चलेदु मतलब पसंद नहीं आया, लेदु मींस नहीं। सो नेक्स्ट है मुझे यह नहीं चाहिए, कोई चीज आप आपको शॉपिंग वाला पकड़ा रहा है जबरदस्ती, तो आप बोलते हैं ना मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, सो उसको कैसे बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट इट। और तेलुगु में बोलते हैं इधि नाकु वद्दु, इधि नाकु मतलब यह मुझे, वद्दु मतलब नहीं चाहिए, वद्दु मतलब नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट है मैं वह भी लूंगा, अब बोलते हैं ना ये ले रहा हूँ वो भी लूंगा, जैसे दो तीन कपड़ा जाते ही पसंद आ गया, पेरेंट्स बोल के गए हैं कि एक ही खरीदना है, लेकिन हम बोल रहे हैं मैं वो भी लूंगा, वो अभी लूंगा। मेरे पापा मुझे जब भी लेके जाते थे शॉपिंग के लिए, एक ड्रेस लेके तो नहीं आता था, दो कपड़े फाइनल करवा के ले आता था, एक मम्मी के पसंद का एक पापा के पसंद का, दोनों तीनों उठा के ही लाती थी। सो उसको क्या बोलेंगे? I will take that one also। और तेलुगु में बोलते हैं नेनु अदि कूडा तीसुकुंटानु, नेनु अदि कूडा मतलब मैं वह भी तीसुकुंटानु मतलब लूंगा, तीसुकुंटानु लूंगा। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो शॉपिंग का, कमेंट में जरूर बताइए, और जब भी शॉपिंग करने जाइए उस शॉपिंग वाले के लैंग्वेज, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, रिलेटिव्स के साथ गए हैं, तो उनके लैंग्वेज में ही बात कीजिए, क्योंकि बहुत काम आता है। इसके लिए कुछ खरीदने गए थे हम लोग, तो वहाँ का जो शॉपकीपर था वो तमिल आदमी था, उससे मैं तमिल में बात किया था तो वो बहुत कम में दे दिया था, शुरू में बहुत बड़ा दाम बता दिया था, मैं तमिल में बात करके थोड़ा उससे नेगोशिएट किया हूँ तो कम कर दिया था फाइनली। बहुत काम आता है सही में बहुत काम आता है। So, thank you कुछ भी watching. सीखे गाली भी सीखे दूसरे लैंग्वेजेस में जो यूजुअली पीपल करते हैं, उसके बदले ये सीख लीजिए, बहुत काम आएगा पक्का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भी शॉपिंग के रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस चाहिए तो बता दीजिए, बना के वजह सिखा देंगे।